भारतीय पंचायती राज पार्टी के संयोजक एवं कार्यकारिणी अध्यक्ष अरुण कुमार ने अपने कार्यकर्ताओं से की अपील, कहा कोविड-19 में करे लोगों की मदद। भारतीय पंचायती राज पार्टी के संयोजक एवं कार्यकारिणी अध्यक्ष अरुण कुमार ने कोविड-19 महामारी के युद्ध में लड़ रहे तमाम डॉक्टरों को हार्दिक चिकित्सा स्वास्थ्य कर्मियों एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों को बंधु नागरिकों से धैर्य एवं संयम एवं मानवता पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की है। नमस्कार, कुमार रतन, भारत न्यूज 24 और पटना में आज मिशन अंदन का 6वां दिन था। इसी बीच हमारे सहयोगी भारतीय पंचायती राज पार्टी के द्वारा सहयोग और हमारे बीच राष्ट्रीय प्रभारी वीरेंद्र चौधरी जी हैं, इनसे बात करते हैं कि सर आज मिशन अंदन में आपके पार्टी की तरफ से सहयोग का इसके बारे में बताएं, क्या सा आपको लग रहा है? हाँ सर, ये बहुत ही अच्छा पुनीत कार्य हो रहा है मिशन अन्नदान, और इसमें विशेष रूप से मैं आभारी हूँ भारत न्यूज़ का, अभिषेक जी का, रोशन जी का और साथियों का, कौशल जी का और इस तरह के तमाम साथियों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये बहुत ही पुनीत और पुण्य का काम है और अभी इसकी जरूरत है। हमारी पार्टी ने पिछले बार भी पिछले कोरोना के समय में काफ़ी कुछ किया था, कई शहरों में चलाया था। इस बार अभी हम लोग सोच ही रहे थे कि आप लोगों ने अप्रोच किया और आपके साथ मिलकर ये काम करना हमारी पार्टी के लिए बहुत ही गर्व का बात है और हम लगातार आपके साथ हैं और इसमें हम काम करेंगे। बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं कोरोना काल में? बिहार वासियों से सिर्फ इतना कहना है कि जो वर्तमान स्थिति है, आप सरकार पर, आप प्रशासन तंत्र पर, आप स्वास्थ्य सेवाओं पर बिल्कुल भरोसा न करें। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी मेंटेन करें और जितना हो सके उतना अपने घर में रहें। जब तक कोई बहुत अति आवश्यक कार्य नहीं हो, घर के बाहर नहीं निकले। आप सबों के लिए मेरा सिर्फ भगवान से ही प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आइए अभिषेक जी इनसे बात करते हैं, सर कैसा लग रहा है सर 6वां दिन आज? एक्चुअली इसमें सभी लोग का सहयोग ही बोलेंगे, अकेले तो नहीं हो सकता था। आज जैसे वीरेंद्र सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो ये लोगों का प्यार है और कुछ नहीं कह सकते। देखिए ये सोच एक मेरे को तब आई थी जब एक बूढ़ी आदमी थी, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि बाबू हम 2 दिन से कुछ खाए नहीं हैं। तब मुझे बहुत शर्म लगा कि क्या किया जाए उनके लिए कुछ ऐसा जिससे उनका पेट भर सके। तो मैंने कुछ निजी सहायता से कौशल जी को, राहुल जी को, सबको फ़ोन किया कि नहीं यार कुछ किया जाए समाज के लिए, क्योंकि सही में लोगों को खाना भी नहीं मिल पा रहा था, यही सच्चाई। साफ शब्दों में आपने देखा कि आज 6वां दिन था और 6वां दिन बहुत ही अच्छा से आईएमएस में डिस्ट्रीब्यूशन और मिशन अंदन और आज का जो मुहिम जो था भारतीय पंचायती राज पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी मौजूद थे धीरेन्द्र चौधरी जी, इन्होंने साफ शब्द में कहा कि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खबरों के साथ बने रहिए, कुमार रोशन, भारत न्यूज 24।